शिवपुरी जिले के दिनारा थाना क्षेत्र के ग्राम उडवाहा में आबकारी और पुलिस विभाग की टीम द्वारा अवैध शराब जब्त की गई है। जिला आबकारी अधिकारी वीरेंद्र धाकड़ को मुखबिर से सूचना के बाद में तत्काल दिनारा थाना पुलिस टीम ने ग्राम उडवाहा में छापा मारा है, जहां से लगभग 45 लाख रुपए की कच्ची शराब और शराब बनाने का सामान भी जब्त किया गया है, जिसमें करीब 200 से ड्रम में रखा 800 लीटर लहान व गुड़ जैसी सामग्री को नष्ट किया गया है और तकरीबन 900 लीटर कच्ची हाथ भट्टी की बनी हुई शराब भी जब्त की गई है। ये करेरा में दिनारा थाने के अंतर्गत उडवाहा करके गांव है, वहां पहले भी शिकायत की गई थी और काफ़ी दिनों से सूचना मिल रही थी। इसमें एक बार और हमने पूर्व में कार्रवाई कराई थी। आज भी दिनारा पुलिस एवं अन्य पुलिस की मदद से आबकारी विभाग के द्वारा वहाँ पे बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें लगभग 400 ड्रम महुआ लहान वहाँ पे मिले हैं, जो JCB के माध्यम से कुछ तो वहीं मौके पे नष्ट कर दिए गए हैं। लगभग 200 ड्रम वहाँ से निकाल पाए, वो जब्त करके लेके आए। इसके साथ में ही 900 लीटर हाथ भट्टी मदरा बनी हुई मिली है हम लोगों को वहाँ पे, और लगभग 9 प्रकरण दर्ज किए हैं, जिसमें 2 34-2 के प्रकरण हैं और 7 34-1 के प्रकरण हैं। और टोटल अगर मदरा की कीमत देखें लहन से, तो लगभग 44-45 लाख रुपए आके गई है। देखिए, वहाँ पे एक समुदाय के लोग हैं और वो काफ़ी दिनों से एक नाले के किनारे खेतों पे ये मतलब अवैध व्यापार कर रहे थे। चूँकि वहाँ एक समाज के हैं और वो थोड़ा क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं, इसलिए ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत थी। तो जब हमको ये ज़्यादा स्टाफ मिल पाया, पुलिस का अच्छा सपोर्ट मिला है, तभी हम ये कार्रवाई कर पाए और ये अच्छी कार्रवाई है। इलेक्शन भी अभी चल रहा है, तो उसके बेस पे भी अच्छी कार्रवाई है। और कच्ची शराब स्वास्थ्य के लिए बहुत मतलब हानिकारक मानी जाती है, और आज अभी हमारे प्रदेश में एक अभियान भी चलाया जा रहा है कि जो अवैध एवं जहरीली टाइप की शराब है, उन पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। उसके तहत मतलब कलेक्टर साहब और SP साहब के निर्देशन में कार्रवाई की गई। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।